साथियों, ये रागड़ी आपके बीच में राजा मोरध्वज के इतिहास से उस समय की बात के जिस समय वो राजा मोरध्वज साधुओं को तीन वचन हार जाते हैं, तीन वचन ले लेते हैं साधु राजा मोरध्वज से बेटे को चीरने के लिए। तो साथियों, राजा मोरध्वज बाड़ी के पास नार लेने के लिए जाते हैं, दूर से खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके वो बाड़ी का और कहने लगा, महाराज किस तरह से आना हुआ, मैं तो आपको पानी में स्वागत कर सकता हूँ। रे बाड़ी के, आज मैं तेरे पास स्वागत करवाने नहीं, किसी काम से आया हूँ। तो साथियों, दोनों के बीच में सवाल और जवाब बताए हैं कवि ने इस रागड़ी के अंदर, किस तरह से बताया, क्या लिख दिया। अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा लाते था के, अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा लाते था के, अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा लाते था। नगर छोड़ दूं थारा, मैं तो आज हूँ बाढ़ी के, कल नगर छोड़ दूं थारा। साथ में वचन मांग लिए मेरे से, उन्हें अच्छा देख के दान मान खुसरा करके भेजो तेरे से। मारा पहले जी में शेर वो साधु बैठे अड़े सते रे से, मारा पहले जी में शेर वो साधु बैठे अड़े सबेरे से।
अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा लाते ठाके, अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा लाते ठाके। नहीं है रे मौत मेरी सब तरिया दिया मेट में, मुझे सब बता देना वे आज चरणों में कहूं लेट में। फिर धज बेटे को वो साधु शेर की कह भे बेटे को वो साधु शेर की कह भेट में। और सुन के लगी चोट वो बढ़ी गिर गया चक्कर खाके, अब देर करण का काम ना बढ़ी तारा ल्या देठाके, अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा ला देठाके। अपना सब कुछ बैठा आज लुटा के, मेरे तो बेटे हैं कोला जन जाऊं भेट में जाके। लड्डन सिंह राज बल गाते सच्ची कथा बना के, लड्डन सिंह राज बल गाते सच्ची कथा बना के। और परीक्षा में भगवान भगत को ना देख रहे अजमाके, अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा ला देखा के। अब देर करण का काम ना बढ़ी आरा ल्या।